नमस्कार दोस्तों, लॉजिक लूम 4.0 में आपका स्वागत है। यहाँ हम लेकर आए हैं आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश की तैयारी को और भी सरल और समझदार बनाने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के पात्रता मानदंड, आवश्यक जानकारी और फॉर्म भरने की तिथियों के बारे में। इस सारी जानकारी के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अपने पॉलिटेक्निक पढ़ाई के सपने को साकार कर सकें, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और हाँ, इस सफलता की यात्रा में हम सब मिलकर होंगे लॉजिक लूम 4.0 पर, तो बने रहिए, साथ चलें और सीखते रहें। शुरुआत करते हैं लॉजिक लूम 4.0 के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसकी प्रवेश परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024 के लिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं? संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा 3 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय डिप्लोमा करने हेतु एक प्रवेश परीक्षा है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त पॉलिटेक्निक, जिसमें राजकीय अनुदानित एवं प्राइवेट पॉलिटेक्निक है, उसमें प्रवेश पाने के लिए परीक्षा होती है। प्रतिवर्ष ये परीक्षा होती है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन से छात्र हैं जो इसके लिए पात्र हैं। इस परीक्षा के माध्यम से जब आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए प्रवेश पाते हैं, तो आप उस कोर्स को करने के बाद जूनियर इंजीनियर के पद पर आसीन होते हैं और जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। उसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट जॉब में एज ए इंजीनियर पात्र हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए। तो सबसे पहले, अगर आप 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, 3 वर्ष का डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 35+ अंकों के साथ में। और उसके अलावा 3 वर्षीय डिप्लोमा के अलावा हमारे यहाँ 2 वर्षीय डिप्लोमा और 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होते हैं। उन सभी विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु 12वीं अथवा स्नातक की आवश्यकता होती है। वो हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स के लिए क्या रहेगी आपकी पात्रता। तो दो तरह की पात्रता है। अगर 3 वर्षीय डिप्लोमा करना है तो 10वीं पास होना चाहिए, और उसके अलावा अन्य डिप्लोमा करने हैं तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग अनुसार कौन सा डिप्लोमा आप करना चाहते हैं, उसकी जो योग्यता है वो 12वीं पास या स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन होता है। जो अभ्यर्थी इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे ग्रुप ए की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी ये जो पॉलिटेक्निक है, इसके जितने भी कोर्सेज इसके अंदर होते हैं, उनको विभिन्न ग्रुप के अंदर विभाजित किया गया है। उसकी जानकारी हम अलग से आपको एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो भी दोस्त आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे। तो जो भी अभ्यर्थी इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो वो ग्रुप ए की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, तभी आपका, अगर आप यहाँ उत्तीर्ण कर लेते हैं और उधर उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। उसकी बाध्यता ये है, शर्त यह है कि आप परीक्षा को हाई स्कूल की हो पास कर लेंगे। अगर आप 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, तो आपका 12वीं पास होना अथवा आईटीआई पास होना आवश्यक है। तो ये हम बात करेंगे अभी, कौन से कोर्स आप 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कौन से होते हैं और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम कौन से होते हैं, इनके लिए हम अलग से वीडियो के माध्यम से आपको इसकी सूचना देंगे। जो अभ्यर्थी इस वर्ष इंटरमीडिएट अथवा आईटीआई की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वो ग्रुप K1 से K8 की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, जो परीक्षार्थी इस वर्ष 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं या 10वीं पास कर चुके हैं, वो ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप ए के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं। और जो अभ्यर्थी इस वर्ष इंटरमीडिएट अथवा आईटीआई की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या उस परीक्षा को पास कर चुके हैं, वे ग्रुप K1 से K8 की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। जनरली मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, ग्रुप ए जो है वो इंजीनियरिंग का ग्रुप है, जिसमें विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह के विभिन्न ब्रांचेस हैं, वो ग्रुप ए के अंदर आती हैं। इसी के अलावा जब आप इन्हीं ब्रांचेस में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी 2 वर्ष का पाठ्यक्रम करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको आईटीआई अथवा इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रुप K1 से लेकर ग्रुप K8 के बीच की परीक्षा हेतु आवेदन करना होगा। इसकी पूर्ण जानकारी आपको हम आने वाले वीडियोस में दे देंगे। 2 वर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु इंटरमीडिएट साइंस, यानी कि जो जो छात्र 2 वर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी
फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु इंटरमीडिएट साइंस, यानी जो छात्र ऐसे हैं जो फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट साइंस के साथ पास होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ गणित जीव विज्ञान में सम्मिलित हो रहे हैं वे ग्रुप ई की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं या इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे ग्रुप ई की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। बस इसमें कंडीशन ये है कि इसमें आपका इंटरमीडिएट होना, पास होना, जिसमें कि आपके विषय भौतिकी और रसायन यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और गणित और जीव विज्ञान में से कोई भी एक विषय के साथ आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। माफ कीजिए, इसमें आई थिंक आईटीआई पास नहीं है, केवल इंटरमीडिएट के लिए है ये। इसमें इंटरमीडिएट पास चाहिए तो आप ग्रुप ई के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक पाठ्यक्रम होता है, उसके लिए स्नातक आवश्यक है। यानी ग्रेजुएट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एक वर्ष के पीजी कोर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं, वो एक वर्ष का होता है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसके भी अलग ग्रुप हैं उस पाठ्यक्रम की, उनकी जानकारी हमने जैसे बताया कि आने वाले वीडियोज में हम देंगे। जो अभ्यर्थी इस वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो इस साल ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है वे ग्रुप जी की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी जो पीजी कोर्स ग्रुप है वो जी ग्रुप है। तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ग्रुप ए जो है वो तीन वर्षीय कोर्स के लिए है और ग्रुप K1 to K8 जो है वो दो वर्षीय कोर्स के लिए है और दो वर्षीय फार्मेसी के लिए ई ग्रुप है। इसी तरह से एक वर्ष के पीजी डिप्लोमा के लिए जी ग्रुप है। तो आप जिस भी कोर्स के लिए जो भी कोर्स करना चाहते हैं और आपकी पात्रता अगर उसके लिए बनती है तो आप उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अन्य राज्य के अभ्यर्थी प्रदेश में संचालित विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा है तो इसमें जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ही केवल छात्र इसमें परीक्षा दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। आवेदन की जो तिथि है वो शीघ्र ही आने वाली है। 8 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 8 जनवरी से भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तक है। यानी 8 जनवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा की जो तिथि है, जो प्रस्तावित तिथि है, वो 16 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में रहेगी। यानी तिथि घोषित कर दी गई, प्रस्तावित तिथियां हैं ये, इनमें अगर कोई भी परिवर्तन भविष्य में होता है तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो परीक्षा की प्रस्तावित तिथि है वो 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में है। इसमें जब आप परीक्षा देते हैं और परीक्षा को अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं और उसमें कोई एक रैंक प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें आपके पास जो अवसर होंगे वो राजकीय पॉलिटेक्निक, लगभग 154 पॉलिटेक्निक हैं जो लगभग अब 160 के आसपास हो गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। राजकीय पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो 160 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिसमें आप प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक है, जिन्हें अनुदानित पॉलिटेक्निक बोलते हैं, उनकी संख्या 19 है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक यानी प्राइवेट पॉलिटेक्निक वो लगभग 1294 है, जिनकी संख्या में समझता हूँ 1300 से ऊपर निकल चुकी है। तो लगभग इतने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए ये परीक्षा है। तो आपकी रैंक के अनुसार आपको इसमें अवसर मिलेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी हम आपको इससे संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त कराते रहेंगे। प्रथम व द्वितीय पाली में संचालित कुल पाठ्यक्रम यानी टोटल हम पाठ्यक्रम ए ग्रुप से लेके और के और जी ई ग्रुप ए बी सी डी ई बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जिसमें अभी हमने बताया आपको ए ग्रुप, के ग्रुप, जी ग्रुप, ई ग्रुप, ये तो मेन ग्रुप है, इसके अलावा भी ग्रुप्स हैं। तो उन सब ग्रुप्स में तो उन सबको मिलाकर कुल 77 पाठ्यक्रम है, यानी 77 तरह के कोर्स, 77 तरह के कोर्स इसमें संचालित होते हैं जो प्रथम और द्वितीय पाली में संचालित होते हैं। यानी द्वितीय पाली में तो बहुत कम कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन बाकी प्रथम पाली के सारे कॉलेज, तो लगभग 77 कोर्सेज हैं जिस तरह के आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। इनकी जो दोबारा से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसे भूलिएगा मत, जो फॉर्म भरने की तारीख है, आवेदन करने की तारीख है, वो 8 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो रही है और ये समाप्ति जो है इसकी वो 29 फरवरी 2024 है। तो इन तिथियों का विशेष ध्यान रखें, समय से आप इसमें फॉर्म फिल कर दें। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जब परीक्षा फॉर्म भरेंगे कितना फीस लगेगा,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए मात्र ₹200 की फीस जमा होगी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। उसी के साथ ही सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए इसमें ₹300 की फीस जमा होगी। तो इतनी मात्र कम फीस पर आप इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। ग्रुप ए, अब इसकी परीक्षा की जो तिथियां हैं वो लगभग, क्योंकि ग्रुप के अकॉर्डिंग परीक्षा अलग अलग तिथियों में होती है, ग्रुप ए से लेके जैसे हमने बताया के ग्रुप तक के विभिन्न ग्रुप हैं, उन सभी की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में होती हैं। लेकिन अभी जो आपको इसमें वो ग्रुप ए की है वो आपको 8, जो आवेदन करने की तिथि है वो 8/1/2024 से 29/2024 तक है। ग्रुप बी में भी 8/1/2024 तक, यानी तिथि सभी ग्रुप में अप्लाई करने की 8 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक ही है। इनकी परीक्षा की जो तिथियां हैं वो थोड़ी अलग अलग होती हैं, जो कि आपको बाद में सूचित कर दी जाएंगी। देव अलग अलग दिन में अलग अलग ग्रुप की परीक्षा होती है। इसके साथ साथ शीघ्र ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट पर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल उपलब्ध हो जाएगा, निर्देश विवरण पुस्तिका संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी राजकीय अनुदानित और प्राइवेट पॉलिटेक्निक उन सब का विवरण है कि कौन से पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांचेस, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं, इस सब की जानकारी आपको इसके अंदर प्राप्त हो जाएगी। तो शीघ्र ही ये उस पर उपलब्ध हो जाएगी। और वेबसाइट की अगर हम बात करें तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो वेबसाइट है वो HTTPS, ये आपका JEECUP.admissions.nic.in, जैकब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से बना है ये JEECUP.admissions.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको निर्देश पुस्तिका और आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और भविष्य में भी हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। टू सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी छात्र आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्र इसे लाभान्वित होते हैं। धन्यवाद।